बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी। और मैं ले आई हूँ अपने साथ थोड़े से ग्रेप्स, और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये थोड़े से ग्रेप्स मैं जो है खा के चलूँगी, कभी डेट्स ले लेती हूँ कभी ग्रेप्स ले लेती हूँ, तो ब्लड शुगर जो है वो एकदम लो नहीं होता, क्योंकि नाश्ता बिना करे वॉक करने आती हूँ जनरली, इसलिए। वॉक से लौटते पे मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, कभी कभी 5-6 मिनट यहाँ बैठूँगी, यहाँ बैठ के जो है एकदम रिलैक्स करना, थोड़ा सा इसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, फील्स अमेजिंग। और अब बस घर जाऊंगी, घर जाके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूंगी। तो चलिए अब चलते हैं घर। घर आते ही सबसे पहला काम जो होता है वो है कि चाय को चढ़ा देती हूँ मैं, तो मेरी चाय तैयार हो रही है। बहुत लोग रेसिपी भी पूछते हैं, तो कुछ खास नहीं, बॉइलिंग वाटर में ये मैंने अदरक और कार्डमम डाला है, देन टी लीव्स डाले हैं 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही इसमें शुगर डाली है। लेट इट बॉयल अच्छे से, और उसके बाद इसमें दूध डाल दिया है, और उसके बाद खूब अच्छे से चाय को पकने दें। जितना चाय अच्छी पकेगी उतने अच्छी और कड़क बनेगी। तो चाय बिल्कुल तैयार है और अब मूव करते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट और बहुत ही सिंपल है, ऑमलेट बना रही हूँ, स्पिनच है, चेरी टोमेटोज़ हैं, ये सब डाल के, और क्विकली एक ऑमलेट बन जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोग एक बार पूछे भी थे, मैंने कई बार बताया भी है कि मैं वीगन नहीं हूँ, आई एम अ लैक्टो ओवर वेजिटेरियन, दैट मीन्स कि आई कैन ईट डेयरी, आई कैन ईट एग्स एज वेल एज लाइक नॉर्मल जो भी वेजिटेबल्स है, बट आई डोंट ईट मीट। तो ये हो गया मेरा ऑमलेट, हाफ एवोकाडो, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, और ये बीटरूट का सालसा है, बहुत ही यमी है ये, मैं होल फूड से लेके आई थी। लंच में आज स्पेशली मैं बना रही हूँ मैसूर मसाला डोसा। तो मसाले के लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, एंड देन आई एडेड मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स, और जब वो एक बार चटकने लगेंगी तो उसमें मैंने आधी अनियन डाली है, और थोड़ी सी जिंजर, और थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली डाले हैं, और सबको अच्छे से फ्राई कर लें, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च डाल लें, और पोटैटोज़ मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तो इसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूंगी उबले हुए। बस अब इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए ढक के लिए रख दूँगी, और बीच में से एक दो बार देख लें आप, तो ये मैश्ड मसाला जैसे डोसे में होता है बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। मसाला हो गया है हमारा आलू का तैयार। हम बनाएंगे रेड चटनी, जो मसूर मसाला डोसा के ऊपर जो लगाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लेवर आता है जो नॉर्मल डोसे से उसे अलग करता है। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ वो चटनी वो इस तरीके से है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से इसकी क्वान्टिटी आप जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने ये, और ड्राई रेड चिलीज़ भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और इसको मैंने थोड़ी देर 20 मिनट से करीब इसे सोक करके रख दिया है, और फिर ये करीब 1/4 मेरे पास अनियन है, ये टैमरिंड है, सीडलेस है, ये टैमरिंड का जो पल्प है ये वो है, और मेरे पास मैंने रोस्ट नहीं करी चना दाल, जनरली इसमें रोस्टेड चना दाल डालते हैं, तो मैंने ये चना जो है ये रोस्टेड है, तो इसको मैं डालूंगी इसमें 1/2 इंच के करीब, ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 4-5 लहसुन की कलियाँ। So all these ingredients will go into the chutney, just a little bit of water and grind it. बहुत ही little, runny नहीं रखनी है हमें उसकी consistency, बहुत little, तो मैं अभी आपको grind करके बताती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने grinder में डाल दी हैं, और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा salt और थोड़ा सा पानी, और बस अब इसे आप grind कर लें। तो ये चटनी बिल्कुल अब जो है वो बनके तैयार है, और अब हम बनाते हैं डोसा। तो डोसा के लिए जैसे बैटर नॉर्मली बनता है, उसमें 1:3 का रेशो जो रहता है, 1 कप उड़द दाल और 3 कप उसमें मैं राइस डालती हूँ, और 1 टीस्पून के करीब मैं मेथी दाना डालती हूँ, और इसमें आप 1/4 कप पोहा और डाल लें, तो बहुत ही अच्छा जो है वो ग्राइंड होके बैटर आएगा। आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में एक वीडियो इसके लिए बना दूँगी। तो बस अब मैंने बैटर को स्प्रेड कर लिया है, और जितना अच्छा आपका बैटर होगा उतना क्रिस्पी आपके डोसे जो है वो बन के आएंगे और बिल्कुल स्टिक नहीं करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने साइड में, और इसके बाद अब ये जो मैंने चटनी गार्लिक की बनाई थी इसे पहले स्प्रेड करूँगी, और उसके बाद जो आलू का मसाला तैयार किया था वो फिलिंग अंदर डालूँगी। अगर आपको बिना मसाले का खाना है तो आप आलू का मसाला छोड़ दें, सिर्फ गार्लिक की चटनी लगा के भी प्लेन मसूर डोसा भी खा सकते हैं।
तो सांभर तो आज मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ डोसा बनाया है और इसे मैं चटनी के साथ सर्व करूँगी, जो कि कोकोनट और सिलांट्रो की चटनी है और थोड़ी सी मैंने गार्लिक की चटनी रखी हुई है। तो ये है आज का लंच हम सब का। और लंच करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है मैं मंदिर अपना क्लीन कर लूँ आज, कल से चैत्र नवरात्रे जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो चैत्र नवरात्रों की। और शाम को होने लगी बहुत ज़ोर से बारिश अचानक, पता नहीं क्या हुआ, मौसम इतना अच्छा था अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो फिर मन किया कि गर्मा गर्म थोड़ा सा पुलाव या तहरी जिसे हम नॉर्थ में कहते हैं वो बना लें। तो सारी सब्जियां डाल के मैंने तहरी बनाई है, जिसे मैं छाछ यानी बटर मिल्क के साथ लूँगी, थोड़ा अचार और थोड़ी सी सैलड में है मूली। बटर मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो गरम गरम डिनर करने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी या मन किया तो थोड़ी मूवी देख लूँगी और इस वीडियो को एडिट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।